हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ऋषभ कपूर वेबसॉफ्ट ट्यूटोरियल्स डॉट कॉम से। इस वीडियो में फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप पाइथन में एक फाइल का कंटेंट दूसरी फाइल में कॉपी कर सकते हैं और कैसे आप एक फाइल को रीनेम कर सकते हैं या कैसे आप एक फाइल को डिलीट कर सकते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप एक फाइल का कॉन्टेंट दूसरी फाइल में कॉपी कर सकते हैं। तो अभी आप मेरे जैसा मेरे स्क्रीन पे देख रहे हैं, मेरे पास दो फाइल्स हैं। एक का नाम मैंने दिया है ओल्ड फाइल डॉट टी एक्स टी और दूसरा का नाम मैंने दिया है माई फाइल डॉट टी एक्स टी। और ये दोनों फाइल्स मैंने सेव की हैं डी ड्राइव में। और जो ओल्ड फाइल डॉट टी एक्स टी है उसमें कॉन्टेंट लिखा है माई नेम इज़ ऋषभ कपूर, आई एम फ्रॉम अमृतसर, और माई फाइल डॉट टी एक्स टी बिल्कुल ब्लैंक है। तो हम क्या करेंगे, ओल्ड फाइल डॉट टी एक्स टी का डाटा इस फाइल में कॉपी करेंगे। तो उसके लिए हम जाएंगे पाइथन में। सबसे पहले फ्रेंड्स, मैं आपको सिंपल इसका प्रोसेस बता देता हूँ। हमें क्या करना है, हमें एक फाइल को रीड मोड में खोलना है, एक फाइल को राइट मोड में खोलना है। मीन्स हम जो ओल्ड फाइल है उसको रीड मोड में खोल के उसके कंटेंट को रीड करेंगे और उसको राइट कर देंगे दूसरी फाइल में। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम जो ओल्ड फाइल है, पहले मैं इन दोनों फाइल्स को क्लोज कर लेता हूँ। मीन्स हमें क्या करना है, सबसे पहले ओल्ड फाइल का को हमने खोलना है रीड मोड में। तो मैं क्या करता हूँ, ओल्ड फाइल नाम का एक वेरिएबल बना लेता हूँ, ओपन डबल कोट्स, और इसकी लोकेशन है डी ड्राइव में। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ओल्ड फाइल डॉट टी एक्स टी कॉमा आर, हमने जो जिस फाइल में कंटेंट था उसको रीड मोड में खोल लिया। तो अब हम खोलेंगे न्यू फाइल को राइट मोड में। तो मैं लिखता हूँ ओपन, तो ये है डी ड्राइव में, कॉलन बैक स्लैश, और यहाँ पे मैं इसका नाम देख देता हूँ माई फाइल डॉट टी एक्स टी, जो हमारी फाइल का नाम है। और मैं अब इसको खोलूँगा राइट मोड में। तो ये दोनों फाइल्स खुल गई, ये एक रीड मोड में एक राइट मोड में। अब हमने क्या करना है, डॉट राइट फंक्शन की हेल्प से इस पर डाटा लिखेंगे। हम लिखेंगे न्यू फाइल डॉट राइट, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, ओल्ड फाइल डॉट रीड, मीन्स ओल्ड फाइल से डाटा को रीड करके न्यू फाइल में वो राइट करते हैं। मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो आप लिखेंगे यहाँ पे 44, मीन्स टोटल इसमें 44 कैरेक्टर्स थे जो कि अब लिखे जा चुके हैं। तो अब मैं फाइल में जाता हूँ, माई फाइल डॉट पी एच पी में जाऊँगा, तो आप देखेंगे उप्स अभी यहाँ पे कंटेंट आया नहीं है, एक्चुअली हमारे को इसको क्लोज करना पड़ेगा। तो मैं लिखता हूँ न्यू फाइल डॉट क्लोज। अब मैं जाता हूँ यहाँ पे, तो मैं इसको रीलोड करूँगा, तो आप देखेंगे माई नेम इज ऋषभ कपूर, आई एम फ्रॉम अमृतसर, माई फाइल डॉट टी एक्स टी में डाटा जो है वो आ चुका है। तो हमने इसको क्लोज कर लिया, यहाँ पे डाटा आ गया। अब हम अगर इसको रीड करना चाहते हैं तो हम इसको ऑलरेडी क्लोज कर चुके हैं, क्योंकि अगर आप इसको रीड करना चाहते हैं पहले इसको क्लोज करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी फाइल जो है ऑलरेडी राइट मोड में खुली है। तो हम सिंपली करेंगे फिर से इसको करना पड़ेगा न्यू फाइल, या कोई और वेरिएबल का नाम देंगे ओपन, मीन्स इसको रीड करने के लिए डी कॉलन बैक स्लैश, उसके बाद माई फाइल डॉट टी एक्स टी जिसमें हमने डाटा लिखा था अभी कॉमा आर। अब हम इसको रीड मोड में खोलेंगे, अब इसमें लिखेंगे न्यू फाइल डॉट रीड। अगर आप इसको बिना क्लोज किए ही इसको रीड करने की कोशिश करेंगे तो वो एरर रिटर्न करेगा, क्योंकि हमारी फाइल जो है राइट मोड में खुली होगी तो हम उसको रीड नहीं कर सकते। तो आप देखेंगे माय नेम इज ऋषभ कपूर बैक स्लैश एन, जो कि नेक्स्ट लाइन का था, आई एम फ्रॉम अमृतसर। तो ये तो हमने फाइल को कर लिया कॉपी। अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे हम फाइल को रीनेम कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे को एक मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो मैं लिखता हूँ इंपोर्ट ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, तो यहाँ पे मैं सिंपली लिखा हूँ ओएस डॉट रीनेम। यहाँ पे हम दो पैरामीटर्स लेंगे, सबसे पहले उस फाइल का नाम जिसको हम रीनेम करना चाहते हैं। तो मैं लिखता हूँ डी कॉलन बैक स्लैश, उसके बाद सपोज मैं माई फाइल नाम को ये इस फाइल को रीनेम करना चाहता हूँ, मैं लिखता हूँ माई फाइल डॉट टी एक्स टी, और उसके बाद सेकंड हम लिखेंगे इसका नाम क्या देना चाहते हैं। तो मैं सिंपली यहाँ पे मैं कॉलन लिखना भूल गया था, डी कॉलन बैक स्लैश है, तो मैं लिखता हूँ डी कॉलन बैक स्लैश, लिखता हूँ माय फाइल टू डॉट टी एक्स टी। अब मैं एंटर करता हूँ, तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे एक एरर रिटर्न कर रहा है बिकॉज इट इज़ यूज्ड बाय अनदर प्रोसेस। तो इसका रीज़न ये है कि क्योंकि हमने इस फाइल को जो है हमारी फाइल माई फाइल डॉट टी एक्स टी इसको ऑलरेडी रीड मोड में खोला हुआ है, तो हमारे को सबसे पहले इसको क्लोज करना पड़ेगा। तो मैं लिखता हूँ न्यू फाइल डॉट क्लोज,
तो ये क्लोज हो गया। अब हम इसको रीनेम कर सकते हैं, तो मैं इसको अब कॉपी करूँगा, पेस्ट करूँगा, तो अब आप देखेंगे अब ये होगा क्योंकि हमारी फाइल जो थी रीड मोड में ऑलरेडी खुली हुई थी, तो हमारे को सबसे पहले उसको क्लोज करना था, उसके बाद हम उसको रीनेम कर सकते थे, इसीलिए इसने एरर रिटर्न किया। द प्रोसेस कैन नॉट एक्सेस द फाइल बिकॉज इट इज़ यूज बाय अनदर प्रोसेस, तो इसको इस ये प्रोसेस ऑलरेडी इसको यूज़ कर रहा था। अब मैं डी ड्राइव में जाऊँगा तो आप देखेंगे इस फाइल का नाम हो गया my file2.txt। अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप एक फाइल को रिमूव कर सकते, उसके लिए हम सिंपल कमांड लिखेंगे os.remove, और उसके बाद उस फाइल का नाम जिसको हम रिमूव करना चाहते हैं d:my file2.txt, मीन्स मैं इस नई फाइल को रिमूव करना चाहता हूँ, और यहाँ पे डबल कोट्स मैं एंटर प्रेस करता हूँ, तो जब आप वहाँ पे जाएंगे लोकेशन पे तो आप देखेंगे वहाँ पे उस नाम की फ़ाइल नहीं होगी। तो फ्रेंड्स ये था कि कैसे आप पाइथन में एक फ़ाइल को कॉपी कर सकते हैं, एक फ़ाइल को रीनेम कर सकते हैं, या एक फ़ाइल को रिमूव कर सकते हैं। फ्रेंड्स अगर आपके जहन में अभी भी कोई क्वेश्चन है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।